Hey guys, hi everyone. This is Abhishek, Master Teacher of Physics at Vedantu. कैसे चल रही है मेरे बच्चे ज़िंदगी? Hi everyone, what is up? तो people, we are going to continue the NCERT solution series right now for the chapter gravitation. और भाई आज जो सवाल है, आज ये सवाल एकदम हाँ है. क्यों? क्योंकि भाई बहुत मस्त है. और this might be the difficult, most difficult question you can get from this particular chapter. तीनों सवाल खतरनाक, बहुत बढ़िया. और कौन सा सवाल है वो? एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18. बहुत ही प्यारे प्यारे, करने बहुत मजा आएगा. तो वी विल स्टे बैक फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स एंड एंजॉय दीज थ्री प्रॉब्लम्स, हेवीली न्यूमेरिकल, एंड यू गोना बैंग ऑन देन दिस. ठीक है, लेट्स गो ऑन फॉरवर्ड नाउ. एंड ऑफ कोर्स वी हैव कंप्लीटेड द मोशन चैप्टर, फोर्सेस लॉज ऑफ मोशन चैप्टर इन टर्म्स ऑफ इन डेप्थ एनालिसिस एंड डिस्कशन. वी हैव ऑल्सो डन अबाउट द ग्रेविटेशन चैप्टर ऑल्सो, जो आप देख सकते हो यहाँ पे. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड इट्स न्यूमेरिकल्स, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, फ्री फॉल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. यू ऑल्सो हैव मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ऑल द थ्री फोर टॉपिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेकन वन वन आवर ईच करके बहुत मस्त तरीके से पढ़ाया हुआ है. देख लेना एक बार, उमंग सीरीज का पार्ट है. प्लेलिस्ट आपको हमारे होम पेज में मिल जाएगा, ठीक है, सीबीएसई 9 का. डू डेफिनेटली चेक इट आउट. और जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं फॉर लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शन, क्योंकि अभी रिवीजन कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं और अगर मिस नहीं करना है, डेफिनेटली चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शंस बिलो, जहां पे होगा वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन का लिंक. क्लिक ऑन दैट एंड अ वेरी ब्यूटीफुल वेबसाइट विल ओपन. चेक आउट दोस वेबसाइट, चेक आउट दोस अमेजिंग फीचर्स. आई एम प्रीटी श्योर यू विल बी ऑड. एंड द कूपन कोड व्हिच यू नीड टू अप्लाई फॉर एनरोलिंग इज AK प्रो. ठीक है, गो अहेड, वरना फिर ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा. देना ज्यादा नहीं ना, चलो अब आगे बढ़ते हैं. पहला सवाल यार देखो, ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन दिक्कत ये है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, लंबे पावर डेसिमल्स है ना इसलिए. ठीक है, अब देखो, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन गिवन दैट द मास ऑफ द अर्थ. सो यू हैव द सन हियर एंड देन यू हैव द अर्थ हियर. ठीक है, और अर्थ और सन के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स मुझे निकालना है. ठीक है, सिंपल सी बात है. फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स का यूनिवर्सल लॉ से, दैट इज कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर और डी स्क्वायर, जो भी आप लेते हो. ठीक है, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, कैपिटल एम इज द मास ऑफ द सन, बिगर मास, एंड स्मॉल एम इज द मास ऑफ द अर्थ विच इज द स्मॉलर मास. पुट द वैल्यूज एंड कैलकुलेट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, लेट्स फाइंड इट आउट. सो एफ जी वुड बी इक्वल टू, मैं कैसे करता हूँ इसे बताता हूँ आपको, क्योंकि कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला है. शॉर्टकट क्या होगा? शॉर्टकट तभी होगा जब डायरेक्ट फॉर्मूला तक पहुंच पाओ आप. यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला का ही है. तो कैलकुलेशन में कैसे शॉर्टकट कर सकते हैं बताता हूँ. जी का वैल्यू है 6.7 × 10⁻¹ⁱ, है ना, हमारे जी का वैल्यू होता है 6.7 × 10⁻¹ⁱ. तो ले लिया मैंने, उठा लिया यहाँ पे 6.7 × 10⁻¹ⁱ को मैं अलग रख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, पावर को अलग से कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, एम क्या है? कैपिटल एम इज 2 × 10⁻³० × 2 × 10⁻³० को अलग रख रहा हूँ मैं, कीपिंग दिस सेपरेट. उसके बाद क्या बचा हुआ है? स्मॉल एम. स्मॉल एम कितना है? 6 × 10⁻². तो × 6 × 10⁻², सारे पावर एक साइड हो गए, सारे नंबर्स यहाँ पे हो गए, डिवाइडेड बाई आर है आपका 1.5 × 10⁻¹, लेकिन फॉर्मूला में आर स्क्वायर है तो दो बार होगा, है ना. तो 1.5 × 1.5 × 10⁻¹ कितना होता है? 10⁻¹ का स्क्वायर होता है 10⁻². ठीक है, तो 10⁻¹ को मैंने वहां पे सेम रख दिया. बस अभी क्या दिख रहा है आपको? अभी सिर्फ आपको पावर अलग दिख रही है, डेसिमल की कुछ चीजें दिख रही है जो कट जाएंगे अभी. कैसे? देखो आपको बताइए, 1.5 × 4 × 6 होता है, पता है हमें ये बात, 1.5 × 4 × 6 होता है, पता है हमें, करेक्ट. कट गया वो, पावर भी काट दो अभी. सो एफ जी वुड बी इक्वल टू क्लियरली 67 × 4 × 8 / 15. कैसे 67 और 15 कैसे हुआ? दोनों में से डेसिमल निकाल दिया तो डायरेक्टली हो गया वो. ठीक है, इनटू पावर कितना है भाई? 10⁻², 10⁻²⁴ में से 22 कट गया. ठीक है, कितना बचा? 2 बचा. अब 32 है, 30 और ये 2 है ना, तो 32 हो गया. 32 से −7 करो कितना होगा? 21, करेक्ट, 21 होगा. तो यहाँ पे आपके पास पावर बच गई 10⁻², इतना बच गया आपके पास पावर, 10⁻², बच गया, है ना, समझ में आ गया आपको. क्या किया हमने? वी जस्ट सेपरेटेड द पावर्स, वी जस्ट सेपरेटेड एवरीथिंग एल्स एंड वी कैलकुलेटेड, सो दिस बिकेम 10⁻². कुछ बचा ही नहीं और करने के लिए. अब इनको डिवाइड करना है, लड्डू का में तो एकदम लड्डू का में हो तो करके दिखाता हूँ. देखो जल्दी देखो यहाँ पे, सो 8 × 7 = 56, 5 कैरी, 8 × 6 = 48, 48 × 5 = 53, 536 / 15 करना है हमें, 536 / 15 करें, चलो 5 से डिवाइड करते हैं डायरेक्ट. ठीक है, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 × 3 = 5 × 1 = 0, 5 × 7 = 35.2, इतना हो गया, करेक्ट. अब देखो 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 9, 17 हुआ, 3 × 5 = 15, करेक्ट, 3 × 5 = 15, करेक्ट,
और दो बज गया, 22 हुआ, 3 7 21 नहीं, हाँ 35.7 करेक्ट, 35.7 इंटू 10 पर 21 आ गया ना, सही है भाई, यही होना चाहिए 35.7 करेक्ट, हाँ ग्रेट फैंटास्टिक, 35.7 इंटू 10 पर 21 है, इसको एक डेसिमल में ला दो, सो 3.57 इंटू 10 पावर 22 न्यूटन हो जाते, करेक्ट। तो यहाँ पे शॉर्टकट क्या किया हमने, हमने कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा और हमें चीजें इजी कर दी, इसको थोड़ा और इजी कर सकते हो, कैसे, स्टार्टिंग से ही सारे डेसिमल्स को पावर में कन्वर्ट कर दो, तो फिर आपके कैलकुलेशन से डेसिमल्स बचेगा नहीं। मैंने वो सेकंड स्टेप पे किया, सेकंड स्टेप पे मैंने आके डेसिमल्स को निकाल दिया पूरा, सब पावर में कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो दिस इज द इजीएस्ट वे टू गो फॉरवर्ड फॉर एनी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, जब भी डेसिमल्स ऑफ पावर हो। देख लेते 3.57 सही आंसर है कि नहीं, बिल्कुल है भाई, 3.57 10/22 न्यूटन्स इज द डैम करेक्ट आंसर। पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो आप, है ना, मेरा तरीका दोनों तरीका यहां पे दिया हुआ है आपको। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज माय फेवरेट क्वेश्चन ऑफ दिस एंटायर चैप्टर, ये मेरा पूरे चैप्टर में सबसे फेवरेट सवाल है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, तो देखो उसको सुनो ध्यान से, प्यार से देखते हैं। देयर इज अ स्टोन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, और इस टावर की हाइट दी गई है आपको 100 मीटर आपको हाइट दी गई है, ठीक है। टावर के ऊपर कौन खड़े हैं, ऑफकोर्स हर्षप्रियम सर, ऑफकोर्स आपके टावर पे हर्षप्रियम सर खड़े हैं विद दिस टू टीथ्स, ठीक है। और ऊपर से उन्होंने क्या कर लिया, एक स्टोन को छोड़ दिया, ही जस्ट लेफ्ट वन स्टोन, तो क्योंकि उन्होंने एक स्टोन को बस छोड़ा, इसको स्टोन नंबर वन बोलते हैं, ठीक है, स्टोन को उन्होंने बस छोड़ा है, इस स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहेगी क्योंकि ही जस्ट ड्रॉप्ड इट, यू नो व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर ड्रॉप्ड इट जस्ट इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ओके, एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दिस ऑब्जेक्ट वुड बी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पॉजिटिव वैल्यू, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे को आ रही है, नीचे को आ रही है तो एक्सेलरेट करेगी तो पॉजिटिव, ठीक है। अब एट द सेम टाइम अनदर स्टोन जो मैं फेंक रहा हूं, क्यों, हम एक दूसरे पर पत्थर फेंकते रहते हैं, बस यही काम हमारा, स्माइल विद गुड हेयर, ये ठीक है। आई ऑल्सो थ्रो अ स्टोन अपवर्ड एंड आई एम थ्रोइंग अ स्टोन अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव होगी क्योंकि ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये स्टोन टू है, अब O2 लग रहा है, ऑक्सीजन लग रहा है ना, बिल्कुल सही, मैं हवा देता हूं अक्षर को, कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स विल मीट, कहां पे और कब ये दोनों स्टोन्स मीट होंगे एक दूसरे से। तो मान लेते हैं कि भाई यू नो समवेयर अबाउट ये डिस्टेंस में मीट हो रहे, समवेयर अबाउट ऐसे डिस्टेंस में मीट हो रहे, ऐसे मान लेते हैं, और स्टोन ये ऊपर वाला स्टोन नीचे तक का जो ये हाइट है इसको मान लेते हैं H1 या तो S1 जो भी आपको लेना है, और यहाँ ग्राउंड से लेकर ऊपर तक इस पॉइंट तक जो हाइट है स्टोन को मान लेते हैं H2, ठीक है। तो ऊपर के स्टोन ने यहाँ इतना डिस्टेंस कवर किया और नीचे के स्टोन ने इतना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, मान लेते हैं कि ये डिस्टेंसेस हमें निकालने हैं, निकाल दो H1 H2, ठीक है। टाइम भी निकालना है कि मतलब ये जो इंटरसेक्शन है वो किस टाइम पे हुई, ये भी निकालना है। कितना मजेदार सवाल है ना, निकालते हैं चलो, क्योंकि बच्चों आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे दो वेरिएबल है, H1 H2 दो वेरिएबल है, तो हमेशा पता है हमें मैथमेटिक्स हमेशा ये कहती है व्हेन देयर आर टू वेरिएबल्स टू बी फाउंड यू नीड टू इक्वेशंस, करेक्ट, टू वेरिएबल्स दस नीड टू इक्वेशंस, निकालते हैं। पहले इक्वेशन का अगर मुझे H1 निकालना है, पहले स्टोन के लिए मुझे H1 निकालना है, स्टोन नंबर वन, अगर मुझे पहले स्टोन के लिए H1 निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, या डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलती है, टाइम यहाँ पे दिया हुआ नहीं है तो टाइम का फैक्टर मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a है, जो हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसमें v दिया ही नहीं है, सिर्फ u ही है, तो डज नॉट वर्क आउट। v इज इक्वल टू u प्लस 80, दोबारा उसमें v है, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 स्क्वायर, जो हमारा सेकंड इक्वेशन है, उसमें t नहीं दिया हुआ, लेकिन t इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरिएबल्स हियर व्हिच वी नीड टू फाइंड, तो चलो उसको सेकंड इक्वेशन उठाते हैं, ठीक है। तो यू नो H1 उठाऊंगा, s के बदले में H1 लिखूंगा, H1 इज इक्वल टू s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 स्क्वायर ना, H1 लिख रहा हूं, S के बदले सेम ही चीज है, UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, इसमें UT जीरो हो गया क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो मुझे पता है, सो मेरा H1 का इक्वेशन हो गया 1/2 A, एक्चुअली एक्सेलरेशन है तो 1/2 GT, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है सो GT स्क्वायर, इसको मैंने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, ये सेम चीज मैं सेकंड स्टोन के लिए करूंगा, ठीक है, स्टोन नंबर S2, सेम चीज, H2 इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, इसमें u जीरो नहीं क्योंकि मैं एक वेलोसिटी से फेंक रहा हूं से 25 मीटर पर सेकंड, सो 25t प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब यहां पे क्या है, यहां पे जो एक्सेलरेशन वो नेगेटिव है, तो यहां पे मैं g की वैल्यू नहीं डाल रहा, बस माइनस d ले रहा हूं से, इतना ठीक है, 25t माइनस 1/2 GT स्क्वायर,
क्योंकि यहाँ पे जी नेगेटिव है, इस टाइम इसको माइनस जी लिया है। और दी आइडिया, ठीक है। तो ये मेरे पास दो इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर टू। अब क्या करना है, अब मेरे पास एक और इक्वेशन है। कैसे, मुझे पता है कि ये हाइट जो है और ये जो हाइट है, h1 हाइट जो है, h2 हाइट जो है, इन दोनों अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे पूरे हाइट मिलेगी, विच इज 100 मीटर्स, करेक्ट। तो वो भी दिया हुआ मुझे, दैट h1 प्लस h2 इज इक्वल टू 100 मीटर्स। अभी जो आपको ये दो इक्वेशन मिला है, इन दोनों इक्वेशन को तीसरे इक्वेशन में डाल दो, इन दोनों इक्वेशन को तीसरे इक्वेशन में डाल दो, क्या मिलेगा आपको, ध्यान से देखने से। h1 की वैल्यू क्या है, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, प्लस h2 की वैल्यू क्या है, 25t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, 25t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, विच इज इक्वल टू वॉट, 100। तो यार ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर कट जाएगा ना, क्लियरली आपको मिल रहा है 25t इज इक्वल टू 100, सो t इज इक्वल टू 100 बाई 25, सो आपको यहाँ पे टाइम मिल चुका है विच इज इक्वल टू 4 seconds। तो अब जैसे टाइम मिलकर क्या करेंगे, हम टाइम का क्या करेंगे ना, क्या कर सकते हैं इसका, सिंपल है यार, h1 देखो, h1 में देखो सिर्फ टाइम ही तो है जी, तो आपको पता है तो आराम से निकाल दोगे आप तो, फिर है कि नहीं, तो बस यहाँ से सीधा h1 निकालने का। सो h1 विल बी इक्वल टू क्या, h1 विल बी इक्वल टू हाफ इंटू 9.8 इंटू t कितना है, 4 का स्क्वायर 16, सो 2 1 2 8 अब मल्टीप्लाई करो, 9.8 इंटू 8 कितना आएगा, 8 8 64, 6 कैरी, 9 8 72 72 6 78, तो मेरे पास जवाब आ रहा है 78.4 meters, that's my h1 for all of you guys, 78.4 meters is my h1 for all of you guys। तो यहां पे h1 की वैल्यू मुझे आ गई 78.4 meters, और मुझे टोटल हाइट पता है कि 100 है, तो यानी कि 100 से अगर मैं 78.4 डिवाइड माइनस करूंगा मुझे h2 मिल जाएगा, करेक्ट, यस। तो 100 माइनस 78.4 इज हाउ मच, कितना, 21.6 है ना, 21.6 मीटर मुझे मिल रहा है h2, मिल गया, शुड बी, है ना। यहाँ पे मैं 9.8 लिया हुआ है एक्सेलरेशन, मैं 10 भी ले सकता था वैसे, कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए। तो यहाँ पे 80 मीटर्स आया है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने एक्सेलरेशन 10 लिया हुआ है इसलिए 80 आया है, और मेरे को 78.4 आया था, तो या करेक्ट, यस, amazing, right? Yeah, people. So we have done that question. That was a very big question. That was one of the most important ones also. So I really hope all of you guys noted it down. काफी simple steps थे. H1 निकाला, H2 निकाला, दोनों को add कर दिया. इतना ही किया हमने. बस बाकी सारी चीजें solve हो गई. Correct? Okay. So I hope all of you guys enjoyed that. अब इस सवाल को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से enjoy करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ही प्यारा सवाल है. बहुत प्यारा सवाल. ठीक है? ध्यान से देखो इसे. A ball thrown up vertically. A ball thrown up vertically returns to the thrower After 6 seconds, so total time दिया हुआ है आपको 6 seconds, तो यानी कि ऊपर जाने के लिए 3 सेकंड लग रहे हैं और नीचे आने के लिए 3 सेकंड लगेंगे, so total time 6 seconds, ऊपर जितना time में जाएगा उतना time में नीचे भी आएगा, ठीक है। Find the velocity with which it was thrown up, अच्छा मान लेते हैं of course maximum height पे इसकी velocity 0 होगी, हमें निकालना है कि नीचे से किस velocity पे फेंका गया था, और नीचे से फेंका गया तो acceleration due to gravity of course आपको पता है -9.8 ले लोगे आप, ठीक है, तो निकाल दो, टाइम तो दिया हुआ है आपको, तो यू कैन फाइंड दिस आउट आई थिंक फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन इटसेल्फ, है ना, v इज इक्वल टू u प्लस at का फॉर्मूला आपके पास, क्या निकालना है, u निकालना है, v तो जीरो है, सो u विल बी इक्वल टू -at, माइनस एक्सेलरेशन इज -9.8, टाइम आपको दिया हुआ इंटू 3, नेगेटिव नेगेटिव कर दिया, सो 8 3 24, 2 कैरी, 9 3 27 27 to 29 मीटर्स पर सेकंड आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है, इजीली, एकदम इजीली, करेक्ट। अब आगे देखो भाई, मजा कितना है। इसके बाद द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, अगेन लड्डू, यू कैन गो विद इधर s = ut + ½at² और यू कैन जस्ट गो विद v² - u² = 2as, जो भी आपको इजी लगता है, आई विल गो विद s = ut, सो s = ut + ½ यू नो gt² मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, सबसे यहां पे जो मैक्सिमम हाइट ये रीच कर रहा है, तो s ले लिया मैंने, यहां पे ut तो जीरो नहीं होगा, फिर ये फॉर्मूला उठाऊं क्या, नहीं यार ये नहीं उठाता हूं मैं, क्योंकि फिर यूटी अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे, है ना, लंबा प्रोसेस हो जाएगा, मिल तो जाएगा आपको सही में जवाब, लेकिन प्रोसेस लंबा हो जाएगा, यू टेक अ लॉन्ग वे टू डू इट, जस्ट गो विद v² - u² = 2as, इसमें v² इजिली कट जाएगी, फिर आप इजिली सॉल्व कर सकते हो, s = -u² / 2a, यहाँ पे माइनस यू कितना आपको निकाला, 29.4, सो 29.4 इंटू 29.4
divided by 2 into acceleration, which is 9.8. करेक्ट 9.8 तो डिवाइड कर लो जल्दी से कितना हो जाएगा 2 ones are 2 2 fours are 8 2 2 ones are 2 2 fours are 8 2 sevens are 14 माइनस 14.7 और 9.8 थ्री टाइम्स कितना होता है यार 27 समथिंग होता है ना डाउट है मेरे को हाँ 27 समथिंग होगा तो ये भी कटेगा नहीं मतलब उससे ठीक है तो किसे काटे 2 से काट दे या 10 लेता ना तो बहुत इजीली कट जाती इसे मैंने 10 लिया नहीं है क्योंकि मेरे को पता है कि आप लोग 10 लेके सॉल्व करोगे तो शायद इजीली हो जाएगा लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपका मार्क्स कटे क्योंकि आपने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया हुआ है कैलकुलेशन में इसलिए मैंने 10 नहीं लिया वरना मैं 10 लेके कर लेता सो काटूंगा इसको मैं अगर 2 से सो 2 यू नो 4s आर 8 2 9s आर 18 करेक्ट सो 2 1s आर 2 2 4s आर 8 2 7s आर 14 14.7 into 14.7 डिवाइड बाय 4.9 ठीक है कर लो फिर कर लेते हैं फिर 14.7 into 14.7 कर लेते हैं 147 into 147 कितना हो जाएगा 7 7s are 49 4 कैरी या तो एक काम करते हैं इसको इसे डिवाइड कर लेते हैं पहले क्या कहते हो नहीं मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर ले चलो ठीक है 7 7s are 49 4 कैरी 7 was 28 32 3 7 was 7 10 0 7 4s are 28 2 कैरी 4 4s are 8 4 was 16 16 2 18 1 कैरी 4 1s are 4 5 डिवाइड बाई एक और दो जीरो हो जाएगा 7 1s are 7 4 1s are 4 1 1s are 1 0 9 ये 80 है ना 80 लिखा है ना मैंने एक और उसे लिख दिया हाँ 80 लिखा है 8 2 10 1 9 अरे ये भी है 7 15 16 16 हाँ 16 1 तो 6 7 7 plus 4 11 1 2 सो 2 1 6 0 9 मुझे आ रहा है विथ 2 डेसिमल्स ओके यानी कि 2 1 16 0 9 डिवाइडेड बाई आ गया आपको 4.9 करेक्ट 4.9 आपको कुछ चीज़ें आ गई हैं सही बहुत बढ़िया ऑलमोस्ट ऑन द राइट ट्रैक ऑलमोस्ट ऑन द राइट ट्रैक तो अभी यहाँ पे इसको डिवाइड करना है हमें दोबारा सेम चीज सो 2 1 6 एक काम करते हैं 0 9 डिवाइड बाई 49 कर लेते हैं 490 कर लेते हैं ठीक है डिवाइड करो जल्दी से इसे जल्दी से डिवाइड करो कितना आता है मुझे बताओ जल्दी से हाउ मच यू गेट गो अहेड सॉल्व इट अप मेरे ख्याल से आना चाहिए आपको मैक्सिमाइडेड रीचेस समवेयर अबाउट Let me guess. Forty meters something aa raha hai. Dekh lete jawab kitna hai. Kitna hai bhai 29.4 barabar aaya hame. Ye dusra. 44.1. Ye bilkul sahi. So your answer will come out to be 44.1 meters जैसे आप इसे divide कर लोगे yeah. It's position after 4 seconds yes मैंने मेरे को भाई इस सवाल से मतलब है इस आखिरी टॉपिक पे आखिरी जो पार्ट है ना इट्स पोजिशन आफ्टर 4 सेकेंड्स क्या है या देखो इस डायग्राम को ध्यान डायग्राम्स को ध्यान से देखो 3 सेकंड में ऊपर गया मैक्सिमम हाइट यहां पे v is equal to 0 है इस पॉइंट पे पहुंचा 3 सेकंड पे इट्स पोजिशन आफ्टर 4 सेकंड पहुंचा यानी कि चौथे सेकंड पे वो मतलब ये ऊपर पहुंचा होगा 3 सेकंड में और चौथे सेकंड में शायद यहां तक पहुंचा होगा पांचवें सेकंड में यहां तक पहुंचेगा छठवें सेकंड में वापस आ जाएगा करेक्ट सो इट इज हियर आफ्टर 4 सेकंड्स पोजीशन निकालना डिस्प्लेसमेंट तो यहां पे दो तरीके डिस्प्लेसमेंट निकालने के या तो आप ये डिस्प्लेसमेंट निकालो फ्रॉम द ग्राउंड या तो आप मैक्सिमम हाइट से डिस्प्लेसमेंट निकालो बात तो एक ही है पोजीशन तो सेम ही है राइट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालने का फायदा अलग है क्या है मेरे को फाइनल वेलोसिटी पता है जीरो यहां से मेरे को टाइम पता है एक सेकंड तो पोजीशन इजीली निकाल सकता हूं क्योंकि अगर मैं मान लूं कि दिस इज माय इनिशियल पोजीशन तो मैं सीधा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करके डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा ut जीरो हो जाएगा s हाफ क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी यहां पे अगर मैं इसको इनिशियल पोजीशन मान लिया कि यहां से ऑब्जेक्ट ड्रॉप हो रही है तो वेलोसिटी जीरो मैक्सिमम हाइट पे करेक्ट सो ये हाफ एक्सेलरेशन वुड बी ऑफ कोर्स 9.8 ऑफ कोर्स नीचे ऑब्जेक्ट आ रही है और टाइम कितना है 1 सेकंड ऊपर से नीचे तक तो 1 सेकंड है ना ये पूरा 3 सेकंड है यहां से यहां तक से 1 सेकंड है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है सीधा जवाब हो जाएगा 4.9 मीटर कहां से 4.9 मीटर फ्रॉम द टॉप फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट बिलो 4.9 मीटर तो नीचे से कितना डिस्टेंस होगा अगर टोटल डिस्टेंस 44.1 है तो 4.9 को सब्ट्रैक्ट कर दो वो वैल्यू भी आपको आ जाएगी
कितना इजी सवाल है कि नहीं, दिस इज व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर, और कितना इजीली इसको सॉल्व किया जा सकता है ये मैं बताना चाहता था आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 17 18 कर लिया हमने, 4.9 मीटर इज द डैम करेक्ट आंसर, परफेक्टो। नेक्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी ऑन क्वेश्चन नंबर 19 20 21 एंड 22। आई होप ऑल ऑफ यू गाइस विल एंजॉय इट एज मच एज यू गाइस एंजॉयड दिस सेशन आल्सो। आई डेफिनेटली एंजॉयड बिकॉज दीस वर माय फेवरेट क्वेश्चन फ्रॉम ग्रेविटेशन चैप्टर। We'll definitely check out more questions people from, and we'll solve all the questions from gravitation as well. Make sure that you subscribe to the channel and make sure that you subscribe to Vedantu Pro also with the link in the description, and apply my coupon code AKPRO to have more opportunities. Okay, that's it. Going on forward, hit the like button, share this video, and let me know in the comments which was your amazing favorite question. We'll see you guys next time people. Until the next time, this is Abhishek signing off. Enjoy your life, stay home, stay safe and stay strong. Peace.